हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन पर। मैं मोहम्मद आतिफ सिद्दीकी। सबसे पहले तो उन लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अच्छे रिव्यूज़ दिए। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मोबाइल फ़ोन के बारे में जाना था, तो आज हम बात करने वाले हैं पेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो एक एजुकेटेड पर्सन के लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये 3 लेटर का पेन दिखने में छोटा है, पर इसके पीछे बहुत लंबी कहानी छुपी हुई है। तो दोस्तों, ये बताने की शायद आपको ज़रूरत नहीं है कि लिखने की प्रथा आज से कई हज़ार साल पहले से चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज से तकरीबन 24,000 साल पहले ही पेन जैसी ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन बन चुका था। आपने महाभारत और रामायण में यह देखा ही होगा कि राजा महाराजा जो थे अपना लेटर एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पंखों और स्याही का इस्तेमाल करते थे। 4000 BC में जब मिस्र के लोगों ने पेड़ और पौधों का इस्तेमाल करके कागज़ बनाया, तो उस पर लिखने के लिए बंबू का पेन बनाया गया। और इसी से सीख लेकर पेरिस में रहने वाले एक रोमानियन स्टूडेंट ने पहले फाउंटेन पेन का आविष्कार किया, जिनका नाम पीट्रेक पोइनेरू था, जिसका लाइसेंस फ्रेंच गवर्नमेंट ने 1827 में लागू किया, लेकिन उसके प्रोडक्शन में इजाफा 1850 से होना शुरू हुआ। लेकिन पीट्रेक पोइनेरू द्वारा आविष्कार की गई उस फाउंटेन पेन में एक कमी थी, और वो कमी यह थी कि जब पेन से लिखा जाता था तो उसकी इंक बहुत देर में सूखती थी। जिस दिक्कत को दूर करने के लिए 1888 में जॉन जे लॉर्ड ने बॉल पेन का आविष्कार किया, लेकिन भैया उस पेन में भी प्रॉब्लम थी। तो दिक्कत यह थी कि अगर इंक ज़्यादा पतली हो तो अपने आप लीक हो जाती थी, और अगर ज़्यादा मोटी हो तो उसी में अटक के रह जाती थी। अब बड़ा ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन दोनों के आविष्कार के 50 साल बाद हंगेरी में रहने वाले लेज़लो बायरो ने अपने भाई जॉर्ज के साथ मिलकर बॉल पेन के ऊपर और भी अच्छे तरीके से काम करना शुरू किया। उन्हें इस नई बॉल पेन को बनाने का आइडिया प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल की जाने वाली इंक को देखकर आया था, क्योंकि वो बहुत जल्दी भी सूख जाती थी। दरअसल लेज़लो बायरो खुद एक जर्नलिस्ट थे और उन्हें फाउंटेन पेन से लिखने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने 1938 में बॉल पेन का आविष्कार किया, और इसके लिए उन्हें ही बॉल पेन का पैटर्न दिया गया। उस समय पेन बहुत फेमस थी, और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उस समय एक पेन की कीमत तकरीबन $13 थी, जो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो $130 होगी, यानी इंडियन मनी में अगर उसे कन्वर्ट करें तो 9,360 रुपीज़। लेकिन धीरे धीरे इसका रेट गिरता गया। अब बात करें मार्कर पेन्स की, जिसे आज काफ़ी शौक से इस्तेमाल करते हैं, जिसका इन्वेंशन 1962 में जापान की एक टोक्यो स्टेशनरी कंपनी ने किया था, जिसे आज पेंटेल कंपनी के रूप में जानते हैं। 1990 से इन पेन्स में रबड़ लगने शुरू हुए, क्योंकि उस समय उससे लिखने में काफ़ी परेशानी होती थी। मेनली हमारे बीच 7 तरह की पेन्स मौजूद हैं: फाउंटेन पेन, बॉल पॉइंट पेन, रोलर बॉल पेन, जेल पेन, फेल्ट टिप पेन, स्टाइलस पेन और नोवेल्टी पेन। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉल पॉइंट पेन बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला देश है। जी हाँ दोस्तों, और दुनिया की सबसे ज़्यादा बॉल पॉइंट पेन सेल करने वाली कंपनी का नाम बायरो है, जो बाइक क्रिस्टल पेन एक दिन में 14 मिलियन पीसेस सेल करती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे महंगे फाउंटेन पेन का नाम औरोरा डायमंड है, जिसकी कीमत $14,17,600 है, जो इंडिया के हिसाब से 10,58,83,200 रुपीज़। अब आप सोचेंगे कि भैया आखिर इस पेन में है क्या, तो वीडियो के एंड होते होते आपको बताते चलें कि इसके सॉलिड प्लेटिनियम बैरल पर 30 कैरेट्स का डी बियर्स डायमंड और 18 कैरेट्स का सॉलिड गोल्ड निब लगा होता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो खत्म होने से पहले प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें।